भागा निकल के पीछे भाग गया हूं घर पे और इतना रोया हूं ना मैं दो तीन हफ्ता तो ऑडिशन देने के लिए बाहर निकला ही नहीं सलमान खान सलमान खान सलमान खान, खान। यस और उस समय ना माहौल भी ऐसा था नितिन भाई की। समझ लो सुशांत सिंह जी जो है वो चले गए थे और तो घर वाले भी डर गए कि ये क्या हो रहा है इस फील्ड में तो ऐसा ऐसा होता है और हमको तो कुछ पता ही नहीं है मुझे पता नहीं क्या हुआ नितिन भाई मैंने उसको बोला कि ए इधर आ देख तो उसने देखा हाँ फिट हूँ लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई बहुत कम स्क्रीन्स मिली हैं तो जैसे एक शो ही है उज्जैन में भी और बहुत जगह पे मैंने देखा शोज ही नहीं है कुछ तो झोल चल रहा है लगा एसा? लगा ऐसा कि है ही हाँ, हाँ, बहुत झोल है हाँ वो उस जगह की एनर्जी खराब है मतलब तो ऐसा था ना कि वहां पे बीता है बहुत लोगों के साथ और कभी भी मार है मतलब तो इंसान तो थे ही नहीं वहां पर दे आर ऑल स्लेव्स

मुंबई uh, में बॉम्बे में ऑलमोस्ट तीन साल तो हो गए हैं क्योंकि हाँ. तो मैं नाइनटीन में आया था कोविड के पहले पर ज्यादा रह नहीं पाया उसके बाद फिर घर पे लॉकडाउन में पूरा रहे उसके बाद फिर 2020 दिसंबर में मैं फिर से आया तो कब बारह साल की उम्र में आ गए थे यू यू आर जस्ट टू यंग हाउ ओल्ड आई एम 27 राइट right नाउ 27 साल 27 का लड़का और मुंबई में अपने सपने पूरे करने आया है यार रणदीप हुडा के डायरेक्शन में वीर सावरकर फिल्म में अभी अभी बड़ी सारी तारीफ मिली है बिकॉज uh, नारायण राव सावरकर हाँ वाह एब्सोल्युटली वा, वा, जो उनके यंग ब्रदर है उनका किरदार इन्होंने बड़ा प्यार थैंक यू सो मच क्या नसीब <laughs> <laughs> नसीब और हार्ड वर्क बोलो तो जब, जब मुंबई आने का ये ख्वाब देखा था चूल कहा बचपन से सिनेमा देखा है और हीरो बनने का ही मन था कि हीरो बनना है क्योंकि एक मात्र ऐसी चीज है कि जिसमें फेम है पैसा है रेस्पेक्ट है, हा, है हा, प्यार है और क्या चाहिए? सही बोला उसने बिल्कुल सही सच्ची बात है भाई फेम पैसा प्यार बड़े सारे लोगों का मिलता है पहला हीरो जिसको देख के ये लगा कि यार ये है ना ये ही होता है वो कौन कौन था सलमान खान सलमान खान सलमान खान यस कौन सी फिल्म का मतलब सबसे ज्यादा उन मैं बीवी नंबर वन और ये सारी फिल्म है जो उनकी उस समय आ रही थी आ, ये सारी फिल्म देखता था हॉल में जाकर के और बहुत मतलब वो इतना मुझे उनसे खूबसूरत आदमी कोई लगा नहीं हाँ। स्क्रीन पे बहुत चार्मिंग बहुत पर फिर बाद में पता चला कि एक्टिंग थोड़ा सा अलग गेम है धीरे धीरे उसके लिए मैंने कोशिश की तो फिर पता चला थियेटर्स वगैरह ये वो yes. सलमान खान से प्रभावित ये इंसान <laughs> उज्जैन से जब यहाँ आने की बात एग्जैक्टली या यू हैव टू डू दिस जब उज्जैन से यहां आने की सोची बिकॉज ये मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ hmm. बड़े सारे लोग हैं जो इसको देखेंगे भी एंड वो एक सपना रहता है ना यार मेरे को भी जाना है मुंबई एक दिन hmm. उज्जैन से जब यहाँ आने की सोची थी उस समय क्या हुआ था घर वालों ने क्या कहा कैसे मूड बना तो ऐसा है कि पहले तो घर वालों को पता ही नहीं था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसे शुरू करूं मैं फिर हाँ। एक शो उज्जैन में हुआ था लाइट एंड साउंड वो भी हाँ। तो मैंने वो देखा और उसमें पीछे रिकॉर्डिंग है पूरी और लाइव नहीं था वो ठीक लेकिन उसमें भी जो करिश्मा है उन लोगों का जो एक्टर्स होते हैं जो स्टेज पे जैसे आते हैं और हाथ अपने फैलाते हैं और लोग पागल हो जाते हैं <laughs> I mean, मुझे लगा कि यार ये सबसे बेस्ट शुरुआत हाँ। है हम लोगों का फिर घर वालों का स्टार्टिंग में ऐसा था ना कि उनको पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है फिर मैं अपने आपको प्रूफ करता गया ऑब्वियसली धीरे 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 मुझे पता चला कि इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे कि हम इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है वैसे मुझे एक्टिंग

वो सारी फैकल्टीज यहाँ हमको आके पढ़ा दी फैकल्टीज़ यस फिर मुझे, acting, हाँ। मुझे ये बताओ, ये बातें बड़ी अच्छी है, ऐसे सुनने में लग रही है ना कि देखो आ, मैंने सोचा मैं आऊंगा मुंबई आया तीन चार साल के अंदर मैंने किया और मेरे को पिक्चर भी मिल गई लेकिन यार हार्डवर्क कितना जाता है और मेरे को बताओ वो मुश्किलें कितनी होती हैं बिकॉज बड़े सारे लोग वो चकाचौन देख के आ जाते हैं लेकिन क्या, क्या क्या किया तुमसे मैं फर्स्ट हैंड जानना चाहता हूँ मतलब बॉम्बे में जब मैं आया था नाइनटीन में हाँ. क्योंकि अभी तो सेल्फ टेस्ट हो रहे हैं ठीक है उन लोग आपको एक स्क्रिप्ट भेज देते हैं और बोलते हैं हाँ. सेल्फ तो टेस्ट बना के अपने घर चलिए सेंड कर दीजिए पहले ऐसा नहीं था पहले वॉक इन ऑडिशन होते थे हम लोग ऐसे लाइन में पंद्रह बीस पच्चीस लोग जितने भी हैं सब खड़े हैं ऐसे और उधर से एक गेट खुलेगा और फिर वहां से एक बंदा आएगा जो कि कास्टिंग डायरेक्टर का असिस्टेंट है सो कॉल्ड इंटर्न वो देखेगा ऐसे करके <laughs> <नौट laughs> फिट नॉट फिट फिट नॉट फिट सबकी एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत नया ही था और मैं एकदम गया, गया। टाइम हो गया था काफी तो मैं उनके पीछे अंदर गया और उसने बोला कि कहा जा रहा है मैंने बोला कि वो अब मैं नर्वस डर गया उसने पूछा ही इस तरह से हाँ मैसेज है तेरे पास दिखा दिखा इधर भाई एकदम ऐसा लगा कि मैं घर चले जाऊंगा सही बात और मैं मुझे रोना आ गया उधर पे और मैं भागा निकल के पीछे भाग गया हूं मैं घर पे और इतना रोया हूं ना मैं दो तीन हफ्ता तो ऑडिशन देने के लिए बाहर निकला ही नहीं और ऐसी हालत हो गई थी कि मैं मेरा मेरा सारा करेज ही टूट गया था कि अब मैं ऑडिशन देने कैसे जाऊंगा फिर पता नहीं क्या हुआ मैं फिर से गया ऑडिशन देने और सेम वही चीज हुई हम लोग पचास साठ लोग कुछ खड़े होंगे और वो उधर से इंटर कोई आया ऐसे देखा पचास साठ लोगों को और उसने बोला कि आप 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 आ, 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 बाकी सब नॉट फिट हाँ. मुझे पता नहीं क्या हुआ भाई मैंने उसको बोला कि इधर आ देख तो उसने देखा हाँ फिट हूँ बोले भाई नहीं ना मतलब <laughs> तो है भाई देख के बोलना यार आ, पचास लोगों को एक साथ ऐसे कैसे तूने देख लिया एकदम से नॉट फिट कर दिया है फिर थोड़ा सा लगा मुझे कि हाँ, अब मैं कुछ कर सकता हूँ चखा भाई बड़ा ये चलता है यहाँ पे और नॉट फिट फिट की कहानी तो हर किसी से सुनी हमने कि वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को खेलते मेरे को ऐसा अक् ठीक है ठीक है ठीक है आ जाओ आ जाओ बढ़ ये बड़ा करेज का काम है नहीं तो लगता है ना कि अगली बार पता नहीं बुलाएगा नहीं बुलाएगा तो अभी मेरे को बोलो तुम्हारी आवाज बड़ी कमाल की है यार ये चीज यू नो आई जस्ट नोटिस कर लू एक्टिंग uh, हाँ. ही था भाई मेरे को तो बस यही करने, करने का तो एक्टिंग ही था बट फिर बॉम्बे आने के बाद मैंने डबिंग की है हाँ क्योंकि पैसा थोड़ा रेंट देना है क्योंकि घर वाले बहुत सपोर्टिव है मेरे नो डाउट लेकिन मैं उनको यहाँ का जो पूरा सिनारियो है वो नहीं बता सकता क्योंकि वो लोग उस चीज को समझेंगे नहीं उस चीज को उस ऐसा देखेंगे कि ये परेशान हो रहा हाँ, है मेरा बेटा हाँ, ज्यादा और वो बोलेंगे कि आ जा तू इतना परेशान मत हो और उस समय ना माहौल भी ऐसा था नितिन भाई कि समझ लो सुशांत सिंह जी जो है वो चले गए थे और तो घर वाले भी डर गए कि ये क्या हो रहा है इस फील्ड में तो ऐसा ऐसा होता है उनको तो कुछ पता ही नहीं तो फिर मैं उनसे थोड़ा सा वो सारी चीजें बचाता गया वो अपने तक ही रखता गया और जितना भी था वो आ, मुझे पैसा भेजते थे आज आज भी भेजते हैं और मैं वो रेंट वाला ही उनसे पैसा लेता हूँ आप ये मुझे सपोर्ट कर रहे so लेकिन अगर आप बताओ मैं एक्टर हूँ बस में जाऊंगा और उसके बाद ऑडिशन देने जाऊंगा तो नॉट तो फिट पहले ही हो गया क्योंकि वो फ्रेशनेस वो सब चीज रहेगी नहीं तो ऑटो बहुत महंगा है सब चीज तो धीरे धीरे इस चीज से मैंने वॉइस ओवर शुरू किया कि मैं डबिंग करता हूं, तो हाँ। मैंने कुछ, कुछ 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 काम किया हाँ। बट वो स्टार्टिंग में उन लोग जो मुझे करना था अगेन वो सब चीजें नहीं मिल रही थी हाँ, रही। तो मैंने मैंने इसको भी ड्रॉप किया ठीक हाँ। है चेतन सारी चीजें झेल ले थोड़ा सा और टाइम बस तेरा समय आने वाला है राइट उसके बाद सब चीज सही हो जाएगी फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था फर्स्ट प्रोजेक्ट और मिला कैसे वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था क्योंकि मेरा प्रोफाइल थोड़ा तो सर्कुलट हो ही गया था लॉकडाउन के पहले तो लॉकडाउन में घर पे ही मुझे सेल्फ टेस्ट के लिए आया जी जीपे गूगल पे का ऑडिशन राइट और मैंने घर से बना के एकदम भेजा और उन्होंने बोला कि यस यू और उस समय ऐसा भी चल रहा था कि मेरे दो तीन फ्रेंड्स थे उनको फेक कॉल्स आ रही थी कि पैसा भेज दो आप इसमें सेलेक्ट हो चुके हो <laughs> और ये वो मैं भी नया था मुझे डर लग रहा है कि मैं बॉम्बे चले तो जाऊंगा और ये फेक हुआ तो क्या तो क्या करूंगा मतलब नहीं पर बॉम्बे तो जाना ही है इससे अच्छा मतलब ऑप्शन नहीं है मेरे पास अभी फिर से बॉम्बे जाने के लिए और घर वाले भी एग्री हो गए तो मैं फिर आ गया और फिर मैंने वो ऐड किया थैंकफुली वो सही निकला बट उसमें भी एक चीज थी कि मेरे मास्क लगा था क्योंकि वो लॉकडाउन के टाइम पे शूट हुआ है और उसमें मास्क है तो मेरे अपने वाले लोग तो पहचान गए बाकी लोग कोई नहीं पहचान रहा okay. लेकिन वो इतना ज्यादा वायरल हुआ इतना ट्रेंडिंग हुआ कि मैं एक बार ही बस में जा रहा था तो मेरे जस्ट जो पास में सीट पे बैठा था बंदा वो कुछ देख रहा था यूट्यूब पर और उसने बीच में देखा कि एड आई है ठीक है और उसने मुझसे पूछा कि भाई आप हो गया ना भाई तूने तो मास्क, मास्क पहचान लिया।, लिया अभी उतरते तो क्या खाएगा बता मुझे <laughs> right. और मैं फिर वो बोलता भाई आइसक्रीम तो लो लोगों की जय वीरू अलग चल रहे लोग। अभी मेरे को बोलो अभी अभी वीर अ बिग प्रोडक्शन रणदीप उठ खुद इतनी मेहनत उन्होंने की है और उसको डायरेक्ट भी किया क्या हुआ कैसे हुआ सो so, uh, वही जो नॉर्मल प्रोसेस है कास्टिंग अच्छा, पराग मेहता uh, कास्टिंग ऑफिस से मुझे कॉल आई कि इस कैरेक्टर के लिए टेस्ट करना चाहते हैं सर टेस्ट बना के भेजा uh, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे से ऑडिशन बनाते हैं मतलब वो भी एक आर्ट है ऑडिशन बनाना अपने आप में एक आर्ट है क्योंकि ऐसे भी कुछ तो भी अगर, अगर अच्छा एक्टर हो लेकिन ऑडिशन बनाना नहीं आता है तो उसमें वो चीज नहीं मिल जाएगी सही बात तो उन लोगों ने मुझे सिखाया उन दोनों फ्रेंड्स ने और मेरा ऑडिशन बना के हम लोगों ने भेजा और मुझे आया कि रणदीप सर आपसे मिलना चाह right. तो तो है। <laughs> <थोड़ा होता> है। <laughs> रहे हैं।, तुम लो जितने लो ये फेक हैं तुम्हारे चक्कर में इंसान को भरोसा ही नहीं होता कि मैं फिर अच्छा मैं सर के पास गया और उन्होंने पहले मुझे देखा बोलते हैं इधर देख इधर देख क्या हो रहा है यहाँ पर मेरे साथ और उनको देख के there, आ, himchal. Sir, himchal सर भी थे, पराक पराक सर और पराग पराग भी थे मेहता फिर उन लोग उन्होंने पूरा आधे घंटे मुझे वो फिल्म नरेट किया मैं क्या एक्सपीरियंस था वो बता नहीं सकता मुझे फिल्म पहले ही दिख गई थी कि ये ऐसा फिल्म बनने वाला है और उन्होंने एक मैं जैसे बोलता भी मेरे फ्रेंड से भी जिक्र करता हूँ कि एक सीन है जिसमें मस्कट ऐसे निकलता है और वो उसको लोड कर रहे हैं एंड देन शूट कर रहे हैं वो सेम साउंड नितिन भाई जो उन्होंने निकाला था रणदीप सर ने वो सेम साउंड है फिल्म में और मुझे अभी ऐसे ही लग गया यहां गोली चल गई भाई तुमने भी सेम निकाला है। नहीं मैं तो मतलब ट्राई कर रहा था ये हाँ, राइट तो अलग ही एक्सपीरियंस था हालांकि उन्होंने मुझे बोला कि तू लॉक नहीं है ठीक है अभी दो लोग और आ रहे हैं फिर यहां पर इसी सेम कैरेक्टर के लिए तो बिलोक मत समझना अपने आपको कल मैं बताता हूँ वो तो क्योंकि बहुत बॉम्बे सेलिब्रिटी इंटरेक्शन जो था वो रणदीप सर से ही था झोले लेकर सामान लेकर के डीमार्ट से राशन पानी लेकर निकला हूँ कि घर पे खाना बनाएंगे और वो मिल गए हैं मुझे मेरे फ्रेंड और मेरा फ्रेंड एकदम एक्साइटेड की अरे उद्दाजा जी उद्डा जी फिर हम लोग गए हैं धीरे से उनके पास फिर वो पिक्चर क्लिक किया आदत नहीं है कि थोड़ा बात करूं और वो बहुत जल्दी में थे वो निकल गए फिर मेरा फ्रेंड बोलता है कि तू क्या बोलते है क्यों नहीं तूने किया है मैंने बोला यार काम ही करेंगे ना सर के साथ <laughs> क्या बात है yes, वो तो हवा में बोल दिया ना ऐसा थोड़ा ना कि पता था बट

और पैशन अगर है आपके पास तो आप कुछ भी कर लोगे वो एक्टिंग कर रहे हैं डायरेक्शन कर रहे हैं सो नहीं रहे हैं सेट पे और कैसे क्या सब कुछ हो रहा है मैनेज हाँ, एक सीन था कि फिल्म में जब मैं मैं बार्स के इधर खड़ा हूं मैं और अंकिता लोखंडे हम लोग दोनों खड़े हुए हैं और सामने से वे आते हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका चश्मा नहीं तो उनको बहुत ब्लर दिख रहा है ठीक है तो वो सिनेमाटोग्राफर से बोले जो की एक हैं सर एक सर उनसे बोले कि ये कि मैं इसको ऑपरेट करूंगा तो उन्होंने बोला कि कैसे बोले बोले कि मुझे पता है ना कि क्योंकि तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे पता है कि मैंने कब नारायण राव को देखा है मैंने कब अपनी वाइफ को देखा है और कब मैंने नीचे देखा है तो बोले वो मैं कर सकता हूं और विद इन अ सेकंड उनकी आंखों में वो दिखा मुझे कि वो रिस्पेक्ट और वो समझ कि हां मेक सेंस

Of course, you know, we've seen him कि वो 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 झोंक देते हैं सब कुछ तुमको क्या-क्या करना पड़ा? So yes, मुझे भी मैंने मैंने हाँ. no. नहीं no. लेकिन तो तो चाहिए था uh, तो तो, उसकी तैयारी की थोड़ा uh, सा मराठी एक्सेंट हल्का सा हालांकि सर ने मना किया था क्योंकि उनको ऐसा फिल्म बनाना था कि जो कि मास मतलब ऑडियंस तक पहुंचे थोड़ा सा और एक्सेंट लेके आना मतलब फिर वो सबके लिए ट्रिकी हर एक्टर को फिर बोलो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही कर रहा है और फिर हाँ, तो बाकी सब नहीं कर हाँ, रहे हैं तो बहुत स्लाइट मैंने एक्सेंट रखा हाँ, है एक पहली हाँ। और और लाइक ये सब चीजें छोटी छोटी अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या करना पड़ा वेट लॉस यस अगेन क्योंकि सी उन्होंने मुझे एक तो नारायण राव सावरकर जी के बारे में ज्यादा लिखा गया ही नहीं और डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं तो एक्सटर्नल चीजें मैं उनकी देख ही नहीं सकता हूँ एक दो पिक्चर्स है उनके जिसमें वो ऐसे बैठे अब मैं उससे क्या क्या अनुमान लगाऊंगे क्या वो एक्सटर्नली करते होंगे

बिकॉज़ थोड़ा सा प्रोड्यूसर्स और उन सबके बीच में जो जो चीज चल रही थी फिर जब मैं आ, सेट, सेट पे आया तो रणदीप ऐसा -ऐसा? तो वही शूट कर रहे हैं जो पहले हुआ था <laughs> <laughs> तो मैंने बोला शेट अब क्या करूं तो बोलते है कि एक काम कर घर जा खूब खा खूब सो पांच दिन बाद तेरा शूट है और पांच दिन में जितना उठ कर सकता है उतना कर <laughs> फिर पांच दिन में पांच से छह किलो पुट किया मैंने वेट फिर मैं उसको शूट किया फिर जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही थी मैंने वेट लॉस करना फिर से शूट हो गया थ्रू आउट तो ये उनके साथ रह के ये भी एक एक्सपीरियंस रहा कि हाउ टू बी एक्सटर्नली इन्वॉल्व इन दिस फिल्म या और इंटरनली तो वो बताई गाइड कर ही रहे थे पूरे टाइम कोई डाउट ही नहीं अगर वो आपके साथ ऐसे बैठ के आपको कुछ बोले हाँ. तो हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर नहीं जाएगी अबाउट अंकिता लोखंडे ऑफ़ कोर्स ओह माय गॉड यू नो शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद हर So, uh, एक हम लोग, लोग भाक्री खा रहे हैं तीनों भाई बैठे हुए हैं और भाकरी खा रहे हाँ. और जो की चा, चावल का रोटी होता है ठीक है तो मैं खा रहा हूँ मैंने बोला की ये तो मैं पहली बार खा रहा हूँ तो अंकिता मैम बोलती है की हम लोगों की तरफ तो यही बनता है आप कहाँ से हो तो बोलती है कि मैं इंदौर से हूँ उज्जैन से और इंदौर, like, मामा भाई, चाचा के भाई। <laughs> तो वहां तो ये सब होता ही नहीं है हाँ। तो नहीं, नहीं, मतलब इसलिए हम लोग के घर में वो चीज बनती है ये वो हो सकता है हाँ। फिर हम लोगों का फिर वहां से थोड़ा बातचीत शुरू हुआ फिल्म के बाद कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ मिला स्क्रीनिंग के पहले तो वाह बताऊ मैं आपको चलो <laughs> <laughs> मैं सोच रहा हूँ ये कुछ आने वाला है yeah. पहले। मुझे बोलो मैंने देखा तुम्हारा वो रेड कार्पेट यू नो फाइनली दैट इज़ अ मोमेंट जो यार हर एक्टर को चाहिए कि मीडिया खड़े रहेगा सामने hmm. सर इस तरफ चेतन चेतन लेफ्ट राइट एंड यू गो ऑन दैट रेड कार्पेट टॉक टू सो एक दिन पहले मैं सोचा कि मैं मुझे एक कोई कॉस्ट्यूम खरीदना है ठीक है वहां जाने के लिए रेड कार्पेट पे जा रहा हूँ पैसा नहीं है ठीक है और घर वालों से पैसा लिया मैंने कि पापा ऐसा ऐसा है तो पापा ने तुरंत ट्रांसफर कर दिया मैं गया हूं, जारा पे आउटफिट लिया है पंद्रह हजार का और बहुत क्लासी सेक्सी ऑटो से उतरा हूँ थोड़ा सा वहां पे किचकिच हुआ थोड़ा सा ऑटो वाले एंकल से क्योंकि कैश और जीपे वो, वो वर्क नहीं करता है और ये सब जानता है मैं कौन हूँ और वो पूरा जो थैली था वो ऑटो में रह गया मेरा yes. है। है मैं मैं हूँ मैं मैं, तो पूरा सूट छूट गया और मैंने फिर क्योंकि जीपे से हम लोग जब ट्रांसफर करते हैं तो उसमें नंबर होता रहा है मैंने कॉल किया तो उनके बेटे का था क्योंकि वो तो एजेडी सेवेंटी उनका एज होगा रहा हूँ तो उनके बेटे ने बोला कि मैं किया और फिर बात की तो लिया me? Yes. और मैं भयानक रो रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा और ये वो सब फिर तो मैंने लगा ठीक है इसके लिए तो नहीं था फिल्म तो बिना इसके ही की है और वो अपने आप को जो कांच में बैठ के होता है ना समझाना वो दिलासा देना और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किसको फोन करूँ बट ऐसे कैसे यार मुझे मैं ब्लैक आउट हो गया था मतलब मेरे मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरा किस्मत है वैसा उस समय कि मुझे लग रहा था कि यार मेरे साथ ऐसा होना है पता नहीं क्यों होना है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा, ऐसा ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जो हेल्प कर देते उस of समय course. मुझे लेकिन मैं फिर मुझे लगा कि यार मुझे ऐसे ही जाना चाहिए जैसा मैं हूँ और लेट्स गो तो मैंने जो एक मेरे भैया को कॉल किया संदीप भैया वो भी एक्टर है उन्होंने बोला कि घर पे आ जो तेरे को आउटफुट लग रहा है वो पसंद कर पहन के और जा तो फिर मैं वो लेकर के गया उनसे और ठीक है कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स जरा देख <laughs> बिटों के नहीं अब बोल <laughs> है ना यस yes. स्टार्टिंग uh, में गया तो उससे पहले देखा था कुछ बिट्स एंड पीसेस कुछ देखा था फिल्म ना, नहीं उसी दिन उ हाँ. तो मैंने जैसे ही uh, फिल्म uh, पहले तो मैं गया और स्टार्टिंग में लोग पहचान नहीं पा रहे थे और लेकिन जब फिल्म खत्म हुआ उसके बाद में आया तो फिर या me, थोड़ा अच्छा लगा अच्छा लगा यस yes. सब चीजें फिर सर ने भी तारीफ की और काफी लोग जो थे वहां पर जो कि होता है वो सारी चीजें हुई आई एम रियली ग्रेटफुल घर वालों का क्या रिएक्शन हुआ देखिए उन लोगों ने अच्छा। तो पागल हो रखे <laughs> भी होता है ना कि वहां पर मैं गया हूं, तो वहाँ हो गया है।, so है मेरे दादाजी तो वो रिसेंटली पॉजिटिव है तो हम लोग होता है कि होली पर रंग डलता है और उसके बाद फिर आप घर में खुशियों का कुछ भी चीज जो आपका फंक्शन है मंगल कार्य कर सकते हो करके तो उसी होली वाले दिन मैं सुबह पहुंचा हूँ एंड uh, हम लोग बैठे हैं सब लोग पापा वगैरह जितने फैमिली हैं और जो दूसरे रिलेटिव आते हैं वो रंग डाल के जाते हैं क्योंकि इनकी गमी है सो हम लोग ऐसे डालते हैं तो वो सब चीजें हो रही है उसके बाद शाम को क्योंकि उसके बाद फिर आप फन कर सकते हो शाम को ढोल आए, आए क्योंकि मेरे दादाजी को भी तो देख रहे sure जब वो गए और मेरे उनसे मेरा जो इंट्रैक्शन है एक तो सन्यासी थे उन्हें सन्यास ले लिया था जब मैं हुआ था उसके एक साल बाद <laughs> मतलब घर गृहस्थी सब छोड़ दी है <laughs> ये, ये ये कैसा सन्यास को समझ नहीं आ रहा है खुश होने वाली बात है तो यार मैं हुआ फिर दादाजी ने कहा सन्यास ही ले लो बात खत्म हो गई उन्होंने बोला कि हाँ अब मैंने काफी ये जो हो गया मतलब अब हाँ। तो एंजॉयमेंट हो गया <laughs> यस पोता भी आ गया पोता भी आ गया अब तो ठीक है क्या ही करना है और लेकिन मैं उनसे लास्ट टाइम जब मोमेंट में उनके साथ था तो मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी आप जाओगे तो ये बाल देना पड़ेंगे क्या आपको तो बोलते हैं कि तेरे बाल का मैं क्या करूंगा मतलब <laughs> यस बहुत आगे की सोच के बहुत एडवांस थे मेरे दादाजी और मैं उन्हीं से थोड़ा सा सीख के यहाँ तक पहुंच पाया हूँ तो पापा तो uh, मेरे गवर्नमेंट गवर्नमेंटेंट है, okay. और, uh, मतलब अभी, है, उसमें है। और अभी भी उनका एज मेरे, मेरे आपने देखा कि उनका पिक्चर देखो वो मेरे से ज्यादा है। जितने लोगों ने देखा तो बिल्कुल तो कुछ नहीं है hmm. आ, मतलब नहीं तो बड़ी बड़ी बातें वड़ा खाते यहाँ पे हम वड़ा पाव से ही कर रहे हैं बातें बड़ी सॉर्टेड है दिल से दिल की बात है अभी मुझे बोलो कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसने दिया पिक्चर देखने के बाद और क्या सुनने को मिला मतलब एक मैं इंट्रोडक्शन वो यू, यूट्यूब पर एक देख रहा था पब्लिक रिव्यू हाँ तो उसमें आया कि बेस्ट मोमेंट उस बंदी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि फिल्म में जब सावरकर जी जब आ, वहां थे सेल में वो और जब नारायण राव सावरकर को जलाया गया तो so, फिल्म में क्या है ना जैसे कि बिकॉज इट्स इट्सिक अबाउट वीर सावरकर तो उन्हीं का ज्यादा चंक है और हम लोग सब एक सपोर्टिंग जो है तो सपोर्टिंग कास्ट प्ले कर रहे हैं तो वो एक इम्पैक्ट थ्रू आउट ऐसा नहीं दिखेगा की हाँ सीन में उस सीन में लेकिन अगर थ्रू आउट इम्पैक्ट है और जब वो मरते हैं और किसी को फील हुआ है बोला यार ये मैंने अपना काम कर दिया मतलब मैं अगर उनके सपोर्टिंग में भी था तो मैं किसी के दिमाग में इतना कर रहा हूँ तो तो हाँ, काम देखा है तो अच्छा काम है नहीं। 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 मैं तो क्या बोलू आप छोड़िए मेरे को ये बोलो इसके बाद लग रहा है कि अब आसान हो गया चीज बिकॉज लोग कहते हैं ना कि यार पिक्चर मिल गई काम कर लिया एड कर लिया वेब शोज कर लिए अभी आसान है लाइफ यार लग रहा है कि नहीं यार अभी तो आसान तो नहीं है हुँ. बट ये है कि जो मैं करना चाह रहा था वो कर पा रहा हूँ और ज्यादा वर्कलोड और ज्यादा है हुँ. अब और कॉल्स आ रही हैं है, आ रही है।, और आ रही है। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ ये करने तो आया था मैं खाली बैठा था तो क्या मतलब है मतलब जब मैं सावरकर जब से साइन किया था कुछ और प्रोजेक्ट नहीं किया था मतलब दो साल था ऐसा या नहीं क्लॉज कुछ नहीं था बट क्योंकि अगेन मैं भी उस तरह के काम को ही फॉलो करता हूँ जो जिस तरह की आइडियोलॉजी रणदीप सर रखते हैं तो मुझे भी इन्वॉल्व उतना ही होना था भले मैं कुछ भी कैरेक्टर कर रहा हूँ कितना भी वो उसका पार्ट हो लेकिन मुझे उस पार्ट को उस तरह से रहना था उसमें mm -hmm. तो यस मैंने उस समय भी काफी चीजें रोक के रखी बट अब आई एम ओपन टू एवरी थिंग फिनेशियलीउ इट हाउ डिड थिंग्स चेंज धीरे धीरे चीजें हो रही है

ठीक है अभी मेरे पास खुद का स्पेस है जहां पे मैं अपने आप को जो अपने काम करना था डेली रूटीन वर्क और ये सब ये कर पा रहा हूँ क्योंकि पहले नहीं हो रहा था पॉसिबल राइट राइट यस स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह या टीचर्स वगैरह क्या रिएक्शन मिला कुछ वहां से क्या आया स्कूल के फ्रेंड्स भी वो तो मतलब तो, उनके लिए तो स्टार स्टारूम है हाँ। पहले से भी बट ये जो होता है ना थप्पा लग जाता है वैसा हो गया और उन लोग तो हॉल में डांस कर रहे थे सब क्योंकि सिंगल स्क्रीन और वो सब उधर वहां पे छोटे शहर का जो माहौल है और लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई बहुत कम स्क्रीन मिली है तो जैसे एक शो ही है उज्जैन में भी और बहुत जगह पे मैंने देखा शोज ही नहीं है नहीं तो मेरे बाकी के रिलेटिव्स जो हैं वो फिल्म देख ही नहीं पाए क्योंकि उनके शहर में लगी ही नहीं है फिल्म मैं उसी पे आ रहा था मैं yeah. उसी की बात करने हाँ, कि कही ना कहीं, कि कहीं कहीं ना यू थिंक थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज चल रही थी लाइक like, लोग प्रोपोगंडा भी बोल रहे थे तो कहीं ना कहीं असर पड़ गया उस वजह से और शायद उतना नहीं हो पाया ना, एक तो नाइनटीन हंड्रेड का टाइम और अग, सौ साल बाद मैं जी रहा हूँ हिस्ट्री काफी पढ़ा जब हिस्ट्री मैंने पढ़ा ना दिन तो पता चला कि कुछ झोल झोल चल रहा है 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 लगा लगा ऐसा लगा कि है ही हाँ, हाँ, बहुत है। हाँ. मतलब जो बताया जा रहा है वो सत्य हो सकता है लेकिन पूरा नहीं है जैसे छुपाया ज्यादा जा रहा है हाँ. तो, ये आप खुद की रिसर्च से बोल रहे हो ना 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 मैंने किताबें पढ़ी मैं बात कर सकता हूँ तो Uh, मैं यही बोलूंगा कि खैर ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता हूँ उस बारे में लेकिन यही है कि पूरा सच नहीं पता था लोगों को और मैंने जब मुझे पता चला तो ऑब्वियसली मुझे प्राउड हुआ कि ऐसे लोग रहे हैं इस देश में आप खुद बताओ दो लाइफ सेंटेंस क्यों देंगे किसी को कुछ तो होगा ना कि भाई ये पच्चीस साल में शायद ये बंदा बाहर आ सकता है और उसके बाद भी कुछ ला सकता है या कुछ चीज कर सकता है हम लोगों के लिए है ये समझ लो डिजास्टर आदमी उनको वहां रखा गया एक और चीज जब मैं वहां पर अंडमान में शूट कर रहा था और मैं उनका सेल देखा मैंने ऐसी में कर रहा हूं। मुझे एकदम से ना एंजाइटी होने लगी बहुत तेज वो उस जगह की एनर्जी खराब है मतलब ऐसा था ना कि वहां पर बीता है बहुत लोगों के साथ और कभी भी मार है मतलब इंसान तो थे ही नहीं वहां पर दे आर ऑल देवस अंग्रेजों के और जो सावरकर जी को जिस सेल में रखा था उसके जस्ट नीचे एरिया जहां पे फांसी दी जाती है फिजिकली तो ठीक है मेंटली भी टॉर्चर की अगर वहां फांसी दी जाएगी तो उनको पता है कि यहाँ पर फांसी दी जा रही है और नेक्स्ट नंबर शायद मेरा हो सकता है और थ्रू आउट अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो कैसे रहोगे फिर भी अगर वहां से बाहर आ गए कोई दैट्स वीर सावरकर <laughs> जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला है अपनी कविता में त्याग तो कहीं yes. कहीं ना कही वो of course, लोगों को शायद मैं ठीक है आइडियोलॉजी की अगेन बात है हुँ. मुझे लगता है वो मौका देना चाहिए था शायद कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरह से सभी लोगों ने अपने किरदार निभाए हैं या जो कैरेक्टर किया है हुँ. जिस तरह से उसको पोर्ट्रेट किया है उस बड़े पर्दे पे आई थिंक वही जो उन्होंने कहा कि स्क्रीन और होने चाहिए थे बड़ी सारी चीजें यहाँ वहां हुई बट ठीक है जैसा है कि सच कभी ना कभी तो आई जाता है जो भी होगा हाँ, जो भी होगा मुझे अभी बोलो आगे के लिए आई कुछ कुछ है ऐसा as you said, कुछ देर पहले कि अब एम ओपन टू थिंग्स आगे के लिए कुछ है कि यार ये नहीं करना ये करना है अभी जैसे कि मैं बताऊं आपको कि मैं एक फिल्म कर रहा हूं जो कि आईआईटी के स्टूडेंट्स बना रहे हैं अच्छा ठीक है दे आर नॉट पेइंग मी गुड बट स्क्रीन प्ले इज सुपर इन लोग

जो मुझे काम करना है जिस तरह का अगर वो मिल जाएगा तो फिर मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि वो किस प्लेटफॉर्म किस जगह पे जाने वाली है या कहीं जाने वाली है या नहीं ठीक हाँ, है ना क्लैरिटी है क्लैरिटी क्या कर रहा सो दिस इज इट यार आई थिंक ये ये यही जानना था अभी के इंसान को क्या चल रहा है दिमाग में मुंबई आके बहुत सारे लोगों को लगता है एक फिल्म मिल गई इतना काम कर लिया तो अभी सब कुछ इज इज वो कहते हैं ना बेड ऑफ रोजेस लेकिन ऐसा नहीं है अभी कांटे हैं बहुत सारे जिनको ऑफ कोर्स आई एम श्योर इस झील के साथ ये जो व्यक्ति यहाँ पे ये पार करेंगे एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू यार सेम ही है सेम ही है मतलब मैं तो पहले नर्वस था आप लोग आपने तो पता ही नहीं चलने दिया <laughs> अरे बात क्या नर्वस, नर्वस यार ऑफ कोर्स आई एम श्योर जैसा हमने कहा ये पहला है uh, अभी चेतन का बहुत कुछ यार भूलना मत हमको मैं याद रखना ये ये मैं बोल देता हूँ यही ये, ये चीज मैं बोल देता हूँ तो तो बहुत लगा <laughs> <था। laughs> अभी इतना सारा प्यार आप लोगों ने दिया टैलेंट you know, और जो शिद्दत से करता है एक चीज जो इस पूरे कॉन्वर्सेशन में मुझे दिख रही मैंने अपनी रिसर्च करी मैंने अपनी चीज करी ऑफकोर्स फेम किसको बुरी लगती है पैसा किसको बुरा लगता है

And Nitin Kakar. <laughs> Thank you. Thank you.